जी नमस्कार, सभी को स्वागत है कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए और फिर आपका शुरू करें हम हिंदी की क्लास। देख लेता हूँ कितने बच्चे लाइव हैं और शुरू करते हैं। चलिए जी नमस्कार, बड़े कर दोगे कमेंट थोड़े से। जी हाँ, स्वागत है सभी का अध्ययन मंत्र में और मैं हूँ राहुल सिंह। और देखिए भाई, हिंदी की फिर क्लास लेकर आया हूँ। 10 कदम 10 प्रश्न होंगे और कर लो, ले लो नंबर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज फिर 10 अच्छे प्रश्न हैं और देखिए भाई, 10 में से कितने नंबर लोगे। और मुझे मालूम है तुम 10 में से 10 ले लोगे, लेकिन वही बात, प्रश्नों के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। 10 प्रश्न आए हूँ, ठीक है? तो चले शुरू करें। स्वागिता, सुमित, प्रीति, संध्या, सत्यप्रकाश, रोहिणी शर्मा, विनीता, दीप्ति, भाई बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका, ठीक है ना? तो चलिए मैं पहला प्रश्न आ रहा हूँ, जल्दी शुरू करते हैं। दमदार 10, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे। और एक काम करना, आज ना 3 बजे मेरी एस्टेट की क्लास है, उसमें जरूर आइएगा आप सब, क्योंकि ना उसमें कुछ अच्छे प्रश्न रखे हैं, देखें उसमें क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। और उसमें 15 प्रश्न रखे हैं मैंने, तो थोड़ा जल्दी भी करेंगे और उसमें सीखने की कोशिश करेंगे। जल्दी से पहला प्रश्न ला रहा हूं, तैयार हो जाओ भाई। पहला, दमदार 10, मंडे टू फ्राइडे या ट्यूसडे है, ठीक है ना? तो चलें शुरू करें। निम्न में से संकेतार्थक वाक्य है, पहला ही प्रश्न वाक्य का दे दिया। चलो जी, प्रिया सिंह, नेहा सिंह, गीता पंजाब, प्रणाम सभी को, प्रणाम आपको। रुचि, रोहिणी, वत्सल तिवारी, एक लिखा है सुरग्या बेगम, अच्छा सुरैया बेगम जी, स्वागत है आपका। नितिन, वेरी गुड। अरे नितिन तो हमारे ग्रुप के ही हैं, बहुत अच्छी ज्ञान है इनका, बहुत अच्छी नॉलेज है, संस्कृत के हैं शायद छात्री। हाँ चले भाई, तो चलो शुरू करें। ज्योति किरण मेहता, कुछ बच्चे याद रह जाते हैं और आपके नाम से भी याद रह जाते हैं, ठीक है ना? चले तो पहला प्रश्न बताओ। सी, सी कुछ प्रश्न करके दिखाइए। सी क्यों, ये क्यों नहीं है, ये कौन सा है फिर? अरे तुम ये लगा रहे हो तो ये कौन सा बता सकते हो? सी 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 सी, पहला तो बिल्कुल सही कर दिया आपने। चलिए ये भी अच्छा हुआ, शुरुआत अच्छी हो गई है ना, शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा है, ठीक है सी। तो चलिए मैं उत्तर दूं, तो भाई तुम सबके तो सही नंबर आ गए। कैसे? तो फिर एक बात सुनो, कर ही लेते हैं। इन दोनों में ना जाने कौन खेलेगा, क्या इसमें संदेह हो रहा है, संभावना हो रही है? जब किसी वाक्य में संभावना है, संदेह होगा, तो वो हो जाएगा संदेह। इन दोनों में ना जाने कौन खेलेगा, ना जाने कौन खेलेगा है या नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा। तो देखिए, संकेत आर्थक अगर वाक्य लगाते तो अर्थ के आधार पर वाक्य, क्या लिखा है मैंने, अर्थ के आधार पर वाक्य। अगर कभी पूछे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य जब पूछा जाए तो वो 8 प्रकार का है, उनमें एक संकेत है। और संकेत ये अभी बात करूंगा, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता है ये कौन सा वाक्य है, तो ये है संदेहवाचक। संदेह है भाई वाचक, सुन लो थोड़ी थोड़ी चीज सीखते हैं। जब किसी वाक्य में संदेह हो या संभावना की जाए तो वो किस में जाएगा, संदेह में। इन दोनों में ना जाने कौन खेलेगा। अब देखिए, भगवान, भगवान तो है लेकिन इसके साथ एक वर्ड आ जाना, करे, भगवान करे, ये सब इच्छा पे जाएगा। जब भी प्रभु भगवान की बात आए ना, तो वो इच्छा में रख देना। देखिए, भगवान करे आप सभी इस प्रतियोगिता में सफल हो जाए, क्या मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, या मेरी इच्छा है, इच्छा है या नहीं है। कभी इसमें पूछा जाए कि ये कौन सा वाक्य है, तो ये है इच्छावाचक, कल भी बताया था मैंने, है ना वाक्य। अब देखिए ये कैसे करें कि ये संकेत है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जब कभी एक क्रिया, जब कभी एक वाक्य दूसरे वाक्य को बताने लगे तो दूसरी ओर संकेत कर रहा है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। या इसको ऐसे कहते हैं, जब कभी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, वो भी संकेत है। जैसे दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा भला तब होगा जब तुम दूसरों के लिए भला करोगे। क्या ये वाक्य इस पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर है या नहीं है? पर इसे ऐसे याद रखना कि जब एक काम किसी दूसरे को बताने लगे, ठीक है ना, चलिए तो ये संकेत है। पर देखिए, वाह कितना नैनाभिराम दृश्य है, ये पूछा जाए तो वहां से ही पता लग गया ये कौन सा है, विस्मय यादि बोधक। तो ये तो मैंने समझाना था
कहीं ना कहीं इसे ही नहीं तुम इसे भी समझ लेते, ऐसे थोड़ा सा अर्थ से समझेंगे, ठीक है ना। एक तो पहला प्रश्न ही होगा भाई, ठीक। नमस्ते, वेरी गुड, बस आ जाओ आप क्लास में, आ जाए करो और मैं इसी से धन्य हो जाता हूँ। चलिए भाई एक बार और बताओ, मैंने एक बार कराया था यही प्रश्न, अब मैं फिर वही प्रश्न दे रहा हूं। नैनाभिराम, ये संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, बताओ भाई, दीर्घ संधि है। गुण संधि है, आयादि संधि है सी, या डी ऑप्शन अब दे रहा हूं। देखो सी हो गया, दीर्घ गुण आयादि संधि है, या डी है, ए प्लस सी दोनों हैं इसमें, दीर्घ भी है आयादि भी। जरा बताइए, नैनाभिराम, नैनाभिराम इसमें उपसर्ग भी है कहीं ना कहीं, ये कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, आयादि है, या ए और सी, यानी दीर्घ भी है और आयादि भी है? सिर्फ दीर्घ है, देख तो सही, तुम पहचानते कैसे, कैसे देख रहे हो इस प्रश्न को बेटा? नजरिया देखना शुरू करो, रटने से कुछ नहीं है, देखो तो सही, दोनों बन जाएंगे इसमें। क्या इसमें दीर्घ और आयादि दोनों है, या खाली दीर्घ ही दीर्घ है? दीर्घ है, सब बच्चे भी दीर्घ सी कह रहे हैं, सी आयादि है, दीर्घ नहीं है, या दोनों है? दोनों है, दोनों है, आयादि नहीं, आयादि भी है और दीर्घ है। अब देखिए सुनिए, एक काम करो, सुनो, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसी से कई प्रश्न बनाना सीखो, है ना। चलिए देखिए, अब सुने सभी लोग, देखो इतना तो जानते हो, बड़ा आ रहा है तो दीर्घ, आ ई ऊ लोग ऐसे ही बताते, मैं ही बता देता हूं, है ना, और यहीं से ब्रेक हो जाएगा, दोनों तरफ आ निकल जाएंगे, तो कुछ नहीं करो, नयन और फिर क्या है, अभिराम, अभिराम सुंदर को कहते हैं। और कभी कोई पूछे ना इसमें उपसर्ग है, तो इसमें अभी उपसर्ग है, उपसर्ग भी है, सही है या नहीं है अभी? लेकिन एक काम करो, क्या नयन का विच्छेद नहीं होगा? अरे ये तो दीर्घ हो गया, आ का मेल आ से होगा तो बड़े आ में गया, ये तो दीर्घ था, आ जब समान वर्ण से मिले, आ का मेल आ से हो, ई का मेल ई से हो, ऊ का मेल ऊ से हो, तो वो दीर्घ में हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, है या नहीं है? लेकिन कितने बच्चे जानते हैं इसको भी कर दोगे, नेधन अन नयन, तो आयादि भी तो थी, तो आयादि और दीर्घ का मिक्सअप है भाई इसमें तो, ठीक है या नहीं है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार अब प्रश्न ऐसे नहीं बनेंगे, अब शायद इसे तोड़ के भी पूछ लेगा वो तुमसे, ठीक है या नहीं है? वेरी गुड, शाबाश, तो एक में से तीन बना लिया, अगले पे चलते हैं। चलो भाई बताओ, ध्यान से सुन, देखो ये गड़बड़ हो गई थी, हाँ यार इसे ना बच्चे इसे मत मानना तुम, ना ये कुछ लिखा हुआ है ना ये क्या लिखा है, शब्द है गजारूढ़, शब्द क्या है भाई, गजारूढ़, ये शब्द है गजारूढ़, बताओ निम्न में से गजारूढ़ शब्द में समास है, बताओ निम्न में से गजारूढ़ शब्द में समास है, जल्दी से कमेंट करें, उपासना हिंदी के लिए। एक काम और तुमसे कहना चाह रहा हूं मैं, कई बच्चे तुम में से मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्रमबद्ध व्याकरण कराओ, जैसे वर्ण पर संधि पर टॉपिक वाइज, तो देखिए एक अभी मैं एक एंट्रेंस विजार्ड एक चैनल करके है, सुबह हिंदी की क्लास लेता हूँ, आपको मालूम है इंग्लिश वाले सर की भी क्लास लेते हो आप, उस पर मैं ना टॉपिक वाइज शुरू कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज का मतलब है पहले वर्ण का कल चैप्टर कराऊंगा, वर्ण का मतलब लिखवाऊंगा नहीं, मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ 20 प्रश्नों की, रैपिड फायर की तरह वर्ण करेंगे, लेकिन तुम वर्ण पढ़कर आओगे, मैं देखता हूँ तुम में कितनी डेप्थ है वर्ण की, और फिर हम कर लेंगे, और प्रश्न अच्छे रखूंगा। तो तुम एक काम करो, जो बच्चा ये चाहता है कि हम क्रमबद्ध पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण पे ही प्रश्न हो, विशेषण पे ही प्रश्न हो, तो टॉपिक वाइज मैं वहां शुरू करने जा रहा हूं, जिससे तुमको फायदा हो जाए। चलिए बहुब्रही, जिसका डर था वही लगा रहे हो तुम, और ये मैंने पहले भी दिया है, ये इसलिए दिया है, एक शुक्रवार को तुम्हारा मैराथन करने की कोशिश कर रहा हूं, कि अब तक जितना पढ़ा दिया मैंने उसका एक बंच दूंगा, उसमें मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा, बस क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेंगी, देखें तुम्हें कितना दम है। तो शुक्रवार को एक मैराथन क्लास कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हारे टाइम पर ही, 10 से 11 बजे तक एक घंटे की क्लास होगी, जिसमें करीबन मुझे 30 या 40 प्रश्न देने हैं, जो अब तक करा चुका हूं उन पर डिस्कशन होगा। गज का जैसा वाहन, अब देखिए भाई सुनिए, सब लोगों ने इसे ए लगाया होगा, जबकि इसका उत्तर ये है तत्पुरुष, कैसे सुन लो भाई, इसका विच्छेद करके दिखाना, गज आरूढ़, गज पर आरूढ़ है जो, गज पर आरूढ़, ठीक, अरे यही तो होगा, गज पर आरूढ़ है, ठीक है ना, तो गज यही लगाओ इसे, गज पर आरूढ़, आरूढ़ का अर्थ क्या होता है, चढ़ा हुआ, आरूढ़ का मतलब आसन है ना, आश्रित होना, तो आरूढ़ का मतलब तो चढ़ा हुआ भी हो सकता है, चढ़ा हुआ है जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, आसन भी हो सकता है, आसन माने बैठना है ना,
बैठना। तो देखिए इसका सही, अरे गजारूढ़ कोई इसको कहेंगे हम, गणेश को कहेंगे। गज पर कौन आरूढ़ है, कोई भी हो सकता, कोई विशेष थोड़ी ना है गज पर आरूढ़ होने वाला। हाँ गजानन कहोगे तो वो गणेश है, गज के आनंद जैसा कौन है गणेश, पर गजारूढ़ थोड़ी ना होगा। अरे ठीक है या नहीं है, ये है तत्पुरुष, तत्पुरुष ही तो था, तुम एक ऐसे लगा रहे थे भाई से गजारूढ़। कई बार ऐसे शब्द आते सिंघासरूढ़ है ना, ये भी तो आता है, नहीं आता है तो ये भी हो सकता है। तो गज पर आरूढ़ नहीं आया समझ में, स्वेक से करेक्ट है हाथी पर सवार, बिल्कुल सही है। तो कौन है, कोई विशेष थोड़ी ना है, गज पर आरूढ़, गज पर आरूढ़ होने को ही गजारूढ़ कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है चलो मैं आगे, तो देखिए गज पर आरूढ़ चढ़ा हुआ या आरूढ़ को देखो एक काम करो सवार भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए ये तो हो गया, सुनो अब कई बार एक प्रश्न और बनता है जो मैंने आज सुबह बनाया, कई बार पूछे गए तत्पुरुष है कि हाँ जी है तत्पुरुष ही तो है, फिर कई बार पूछे गए बताइए इसमें तत्पुरुष वो समास होता है जिसको खोलने पर कारक चिन्ह आ जाए, फिर वो पूछेगा अच्छा बताइए इसमें कौन सा तत्पुरुष है या कौन से तत्पुरुष की विभक्ति है, कारक विभक्ति है। कई बार पूछेगा ए तृतीय विभक्ति, ऐसे पूछ लेगा तृतीय विभक्ति है इसमें, दूसरी षष्ठी विभक्ति है ऐसे पूछ लेगा षष्ठी, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति है, तीसरा सप्तमी विभक्ति है, या कई बार देगा डी चतुर्थ विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, बताइए कौन सा आंसर लगाओगे इसका भी बताओ, तत्पुरुष में कौन सा है, चलिए बताइए। अरे इसे भी बताओ, ये मैंने पहले भी दिया था आपने प्रश्न, अधिकरण तो है पर ये भी तो पूछ सकता है, चलिए बताइए सप्तमी। अरे एक सीधी सीधी बात है, क्या ये कोई मुश्किल चीज थोड़ी ना है, किस समास को खोला जाए तो कौन सा कारक है, किसी समास को खोलने पर कारक चिन्हों की विभक्ति होती है, मैंने तो हिंदी में कारक आठ पढ़े, विभक्ति आठ है, कैसे, पहला कौन सा है एक कर्ता कारक है, दूसरा कौन सा है कर्म, तीसरा कौन सा है करण, चौथा कौन सा है अपादान, पांचवा कौन सा है, नहीं कर देखिए भाई मैं ऐसे बताता हूं, पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, अरे करण है या नहीं है, चौथा है संप्रदान, पांचवा है आपादान, छठा है संबंध और सातवां है अधिकरण। क्या इसमें गज पर आरूढ़ पर में या पर अधिकरण में आते नहीं आते, तो कौन सा आएगा सप्तमी, ऐसे भी पूछ लेता, और ये कोई मुश्किल चीज थोड़ी ना आती, कारक जब पढ़ ही लेते तो ये भी पढ़ लेते। कई बार ऐसे ही पूछेगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्ह आते हैं, वो तो तत्पुरुष है, और तत्पुरुष में खोलने पर कारक चिन्ह आ रहे तो तत्पुरुष है, पर कारक तो आठ होते हैं, ऐसे कौन सी कारक की विभक्ति है जो तत्पुरुष में प्रयोग नहीं की जाती, कौन कौन सी है वो भी पूछ लेता है। ज्यादा डिस्कशन कर दिया लेकिन ये ध्यान रखना, दो प्रश्न में से बनाने की कोशिश की है, चले आगे और ज्यादा नहीं, चलो हाँ देखिए ये प्रश्न दिया, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसमें पहली बात, तो एक काम करो सुनो, ये करा मैंने अंडरलाइन, इसे बताना भाई ये अंडरलाइन है, छत पर मेरा छोटा भाई खड़ा है, इस रेखांकित शब्द में से इनमें से कौन सा विकल्प सही है, जरा बताइए, फिर भी सुन लो, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, पर परसर्ग सहित, पर के साथ है, खड़ा है क्रिया का, और ये इसके साथ जुड़े क्रिया का आधार है, पढ़ो जरा इसे, अरे समझ में आ रही है, अभ्यास कीजिए, अभ्यास तो करना ही है लेकिन बहुत मुश्किल चीज नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने एक काम कर दिया है, जिसको समास नहीं आता मैं दूसरी क्लास में समास पे ही प्रश्न लाऊंगा, चाहे 10 लाऊं चाहे 15 लाऊं एक ही टॉपिक पर, और वहां हम समझते शुरू करना शुरू कर देंगे, तो उस पर आप देख सकते हैं, मैं तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या ठीक लग रही है क्लास, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो मुझसे कर लो, अगर आ गया तो बता दूंगा आपको, नहीं आएगा तो माफी मांग लूंगा आपसे, लेकिन आप पूछना शुरू करो। वो चीज उस दूसरे वाले प्रश्न में भी प्रश्न कर सकते हैं जिसको नहीं समझ में आया होगा, तो पर वो तत्पुरुष था और तुम चेक करो मैंने गलत तो नहीं बताया, यही चेक करो, और तुम कमेंट बॉक्स में अगर मेरा गलत है तो बेटा बता दिया करो मुझे, और धड़ाक से बताओ कि आपने गलत बताया, और मुझे गलत लगेगा तो क्यों नहीं मानूंगा, मानूंगा ही, अरे गलती सबसे हो जाती है, पर सुनो ये मैंने देखा है कई बार प्रश्न जो मैंने दिया था। हाँ चलो बताओ भाई जल्दी, ए ए बहुत ध्यान से पढ़ो प्रश्न, एक काम करो प्रश्न को देखने का नजरिया पहचानो भाई, कैसे, मैं फिर पढ़ रहा हूं, छत पर इसको ही पूछना है, ये जो है क्या जातिवाचक है, क्या पुल्लिंग है, क्या एकवचन है, क्या अधिकरण कारक है, अधिकरण माने कि परसर्ग भी लगा हुआ है इसके साथ, विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है, और खड़ा है, ये जो खड़ा है क्रिया है, इसका ये आधार भी है, यही वर्ड बताओ भाई, डी
कई लोग डी दे रहे हैं, कई लोग ए दे रहे हैं। ए अभिषेक ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को, दोबारा पढ़ो। चलो बताओ छत, इसे सब छोड़ो, एक काम करो, इस छत को कई बार कई तरीकों से हिंदी में पहचाना जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें कमेंट बॉक्स में करके दिखाऊं, छत स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इतना बताओ छत स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, खाली छत। अरे छत को ही तो बताना है, पर तो कारक चिन्ह है, अव्यय शब्द है, बताओ बस इतना बताओ, छत स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, छत टूट गई है, टूट गया, छत बना लो, छत स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इसे बताओ खाली, केवल छत स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ध्यान से पढ़ो, छत स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, चलिए स्त्रीलिंग है तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, सुनो, और यहां क्या दे दिया जरा पढ़ो, यहां क्या दे दिया, ये गया, अरे सब ठीक है पर ये तो गलत दे दिया इसने, ठीक है स्त्रीलिंग है तो तुमने पुल्लिंग कैसे लगा रहे हो तुम, इस वर्ड को पूछ रहा है क्या ये जातिवाचक है, चलो एक एक पढ़ते हैं। तो भाई जातिवाचक तो है, क्या, क्योंकि छत कॉमन वर्ड है, अरे है या नहीं है, छत कॉमन है, जानते हो नहीं जानते हो, कोई विशेष तो नहीं है, ठीक है चलिए, और इसमें भी जाती है, इसमें भी जाती है, इसमें भी जाती है, तो क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या छत पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, अरे स्त्रीलिंग ही तो है, तो ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, मैं तो यहीं से लगा देता, क्या दिक्कत थी इसमें, है डी तो था, तुम सारा कुछ देख रहे हो, एक एक करके पहचान लेते, स्त्रीलिंग तो थी छत, छत झोंपड़ी कुटिया स्त्रीलिंग है भाई, है या नहीं है, घर के पुल्लिंग है, है? अच्छा देखिए फिर बताए, छत छतों या छत, छत एक वचन भी है और अधिकरण है, क्योंकि पर के साथ आ रहा है, स्थान है, आधार बन रहा है। अच्छा मतलब अधिकरण किसे कहते हैं, जो क्रिया का आधार बने, जो क्रिया के आधार को सूचित करे, ये प्रश्न दे चुका हूं मैं कई बार, तो क्रिया का तो आधार भी है भाई, है या नहीं है, तो आंसर डी था, क्यों नहीं करते। मैंने डीएसएसबी में इस तरह के प्रश्न देखे, एक वर्ड को पूछ रहा है और तुम इसमें उलझ कर आते हो, यूं गया पेपर में, और जबकि आसान था, देखिए ठीक है ना, आपादान रखते नहीं है क्या, हाँ रखते हैं आपादान, क्यों नहीं रखते, तो आपादान तो था ही, आपादान तो लिखा, आपादान इसमें आपादान है, आपादान तो अलगाव को कहते हैं, अधिकरण आपादान कैसे कह रहे हो, कौन कह रहा था आपादान, चलो अगला छोड़ो, ये बताओ सम और शम, चौथा प्रश्न उपासना, सर जी मुझे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, चलिए एक काम करेंगे, जो एंट्रेंस विजार्ड पे है ना उसमें मैं संज्ञा का टॉपिक लाऊंगा, और तुम्हें अगर मैंने क्वेश्चन दिए गए तो प्रश्न तो तभी समझ में आते हैं जब समझेंगे, वहीं कर लेंगे, और सारे प्रश्न संज्ञा के होंगे, तो जिसको वो क्लास लेनी तो वो उसमें आए, तो मैं वो कर लोगे ना तो फिर ये सारी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, जिसने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी ना वो उसके लिए आ जाए, बाकी तो इससे करो तुम लोग। चलिए यहां मैं अच्छे प्रश्न लाऊंगा, वहां मैं कंटेंट वाइज लाऊंगा। चलिए सर जी आप गोविंदा की तरह लगते हो, ये मुझे कई कमेंट दे रहे हैं, मुझे लग रहा है मजाक तो नहीं कर रहे हो, लेकिन पता है मैं ऐसा हूं तो नहीं, मैं सब टीचर से पूछता हूं पता है इसके बाद, क्या मैं तो कहता सर नहीं 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 ऐसा है नहीं, पर तुम्हारा बड़कपन है भाई, तुम बोल देते हो कुछ भी, तुम हृदय से बोलते तो बस उसका बस यहां है मेरे, इधर तुम मेरे यहां हो। चलिए बताओ शम या सम, बताइए, ए सम, सभी जानते सम माने क्या है, समान, सम माने क्या है, समान, सम माने बराबर, लेकिन देखिए सम माने बराबर, बराबर है, इक्वल है, समान है, लेकिन देखिए एक ही, सम माने जो दो नहीं जो एक है, सम है ना, कई बार इसका अर्थ एक ही भी होता है, तो ये तो सही है, और समान और कहीं है नहीं तो ये तो गया, लेकिन देखिए शम का अर्थ असली में क्या होता है, मोक्ष, सम कई बार सुना है निर्वेद भी कहते हैं, शम को ना कई बार शांति भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, शांति भी कह सकते हैं, शांति तो मिलनी है नहीं मिलनी, हालांकि यहां गड़बड़ हो जाएगी देख लिए, शांति भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं, वैराग्य एक वर्ड दूं तो वो भी कह सकते हैं, पर तुम इसे मोक्ष रखना है ना, ठीक है या नहीं है, तो आंसर पहला बड़ा आसान सा था, ये तो बहुत इजी प्रश्न था, ठीक है, तो आंसर क्या है, ए, ए सब नहीं दिया, सर चैनल का टाइम बता दो 9 बजे से, इससे पहले ही क्लास होती है मेरी 9, वहां क्लैश हो जाएगी, कुछ करने जा रहे हैं हम कुछ ऐसा, रोहित सर से बात हुई है मेरी, वो भी कुछ बताएंगे आपको, तो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों एडजस्ट हो जाएंगी हमारी, 15 तारीख से तुम्हें शेड्यूल मिल जाएगा, तो दोनों क्लास अवेलेबल आप सबके लिए होंगी, टाइम टू टाइम अलग हो जाएगा सबका। चलिए इतना अपना पसंद किसी भी क्लास में मुझे लगता है अपनापन, पता है क्या, अच्छा एक बात, तुम यूट्यूब पे आ रहे हो मैं भी आ रहा हूं, ये क्या है कि इसकी क्लास नहीं देखेंगे उसकी ने, जहां मन करे वहां देखो, और अगर क्लास में आ गए हो तो मिल ही लेते हैं आपस में, ये क्या डिसलाइक लाइक क्या लगा रखा, और डिसलाइक भी कर रहे हो तुम,
तो मेरे यहाँ हो, फिर लाइक तुमसे लाइक करवा ही लूंगा मैं कभी ना कभी, ठीक है ना। तो चलो, ये क्लास है घर की तरह बना लो इसे, मेरा रोज आना, मैं तुम्हारा बड़ा मान लो मुझे कि मैं आता हूँ और फिर मिल लो, तुम्हारी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। चलिए बताइए, भाषण देने में तो चतुर, इसे जरा तुम ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर भी रखना। चलिए बताइए इसका उत्तर, बताइए इसका उत्तर, बताइए। देखें, भाषण देने में जो चतुर है उसे क्या कहें, वाचाल, वाग्मी, वाक्पटु या लपरा। लेकिन बताइए इसकी जगह एक वर्ड लिखो भाई, ये वर्ड तो कहीं नहीं, खैर यही था ऑप्शन में, किसी एग्जाम में पूछा गया ये, लेकिन तुम ऐसा करना इसकी जगह लिख लो वाचस्पति, वाचस्पति, ये रखो डी ऑप्शन। अब ठीक है, थोड़े से मिलते जुलते शब्द तो बता दिए जाएंगे, आंसर बताइए। वाक्पटु, मुझे मालूम था सब यही लगाएंगे वाक्पटु। फिर ध्यान से पढ़ लो, सब ध्यान से पढ़ लें, इसका क्या उत्तर लगाओगे। भाषण देने में चतुर, चतुर माने चंट नहीं है, चालाक नहीं है, चतुर, बताइए क्या लगाएंगे। वाक्पटुता, वाक्पटुता तो हो सकती है, बताइए वाक्पटु। चलिए भाई डी भी लगा रहे हैं, कोई वाचस्पति और कोई, देखें किसी का उत्तर आया नहीं आया, इतना डी, किसी ने बी लगाया, वाघ बी है। बताइए, मैं इन दो प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ हूँ, जबकि एग्जाम में इसका आंसर क्या दिया वो बताऊंगा मैं, और मैं भी वही लगाना चाह रहा था जो किसी एग्जाम में दिया है। देखिए भाई, अब सुनिए भाई, इधर देखिए, सबसे पहले एक एक करके चलता हूं। वाचाल, ठीक है, सुनिए, वाचाल माने जो ज्यादा बोलता हो, अत्यधिक बोलने वाला, अत्यधिक बोलने वाला। अब सुनिए एक बात, ध्यान से सुनिए, सुनो, वाग्मी का अर्थ होता है अच्छा वक्ता, वाग्मी माने अच्छा वक्ता। देखिए वाग्मी को कई नाम से जाना गया, विद्वान भी कहा गया वाग्मी को, लेकिन देखिए वाग्मी का अर्थ होता है बातचीत करने में जो चतुर है, भाषण देने में, और अच्छा वक्ता। जबकि वाक्पटुता ना, कई लोग इसका उत्तर ये देते हैं, मैंने इन दोनों का अर्थ सेम पढ़ा, पर इसका उत्तर ये नहीं दिया गया, इसका उत्तर ये दिया गया। देखिए वाक्पटु किसे कहते हैं, वाक्पटु कहते हैं हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी, जब बातचीत के दौरान, सुनो इसे ज्यादातर सी लगा रहे हो तुम, वाक्पटुता माने वाक चातुर्यता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई कई बार ना इसका पर्यायवाची भी रखते हैं। लेकिन देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, वाक्पटुता किसे कहते हैं, वाक्पटु किसे कहते हैं, वाक्पटु कहते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं ना, तो दूसरे को कन्वेंस कर लें और अपने अनुसार उसको हामी भरवा लें, यानी हाजिर जवाबी को कह सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात, वाग्मी का अर्थ है अच्छा वक्ता, यानी भाषण अच्छा देने वाला, तो जो भाषण देने में चतुर होगा उसे क्या कहा गया, वाग्मी। वाग्मी को ब्राह्मण कहा गया है, वाग्मी को विद्वान कहा गया है, और किसी भी एग्जाम में ना उसका उत्तर वाग्मी दिया गया, वाक्पटुता नहीं है, वाक्पटु नहीं है। वाक्पटु पता है किसे कहते हैं, जो कुछ भी बोलो वो तुम्हें कन्वेंस ही कर लेगा, ठीक है ना, हाजिर जवाबी जो है उसे कहेंगे। पर सुनो, जो भाषण देने में चतुर है विद्वान है, ठीक है ना, वाग्मी का अर्थ विद्वान है। तो आंसर बताएं, इसका उत्तर ये माना गया एग्जाम के थ्रू, किसी भी एग्जाम में, शायद राजस्थान में लिया गया एग्जाम, उसमें इसका अर्थ वाग्मी माना गया ज्यादातर, लेकिन इन दोनों का एक ही पर्यायवाची कई बार रखते हैं। कभी आए वाक पटुता कहोगे तो इसका अर्थ है बोलने में चातुर्यता दिखाना, लेकिन वाक पटु को बोलने में चतुर नहीं कहते, चंट का अर्थ नहीं होता, चतुर माने ज्यादा अच्छा डिफाइन करने वाला। तो देखिए वाग्मी रखना इसका उत्तर, क्या रखोगे, वाग्मी। मैं फिर बता दूं, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यह है कि वाग्मी को कहते हैं विद्वान, वाग्मी को कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड रखता है, अच्छे से डिफाइन कर देता है, बहुत बातचीत में बोलने में ज्यादा चतुरता रखता हो। लेकिन वाक्पटु किसे कहते हैं, जो हाजिर जवाबी हो, बस यही दो अंतर है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे इस प्रश्न पर, मुझे कमेंट बॉक्स में तुम अपनी राय देना इस प्रश्न पर, यह मैं इसलिए लाया कि इसे बताऊं। हाँ, इसमें एक वर्ड सुनो भाई, वाचस्पति किसे कहते हैं, यह भी सुन लो, वाचस्पति कहते हैं जो बोलने पे, वाचन पे एक एकाधिकार रखता हो, पूर्णता रखता हो, उसे वाचस्पति कहते हैं, बस ये अंतर है, ठीक है। नहीं, इसका उत्तर वाग्मी दिया गया एग्जाम के थ्रू, और यही उत्तर सही है, इन सभी में जो बेस्ट है ना वो वाग्मी है, वाग्मी माने अच्छा वक्ता, ठीक है ना। चले आगे, पांचवा, चले आगे, चले चले, इसे बताइए, संधि का एक प्रश्न, हाँ, विद्वान कहते हैं वाग्मी, विद्वान किसे कहेंगे भाई, विद्वान वही है जो उसमें हो, बातचीत में चतुर हो, ठीक है ना। चलिए, लपरा कुछ नहीं होता, क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो गलत प्रिंट है। वाचस्पति, वाचस्पति पता है किसे कहते हैं, जो भाषण में पूर्णता रखता हो, पूर्णता माने पूर्ण अधिकार रखता हो, उसे वाचस्पति कहा गया।
वाचस्पति वो व्यक्ति होगा, पर वाग्मी अच्छा वक्ता, कुशल वक्ता, ठीक है ना, उसका सही अर्थ यही है। ध्यान रखना जो पिछला प्रश्न गया उस पर कमेंट करेंगे आप पढ़कर या कैसे ही करके। देखें ये राजस्थान के किसी एग्जाम में आए भैया, चलिए इसे बताइए सतमती। मैं एक काम कर रहा हूं, इस प्रश्न को मैंने इसलिए दिया कि सबसे प्रश्न और सबसे ज्यादा गलत करोगे तुम इस प्रश्न को। सन्मति का क्या उत्तर दोगे, देख पहले तो देखो किसने क्या क्या उत्तर दे रहे हैं। ए डी फौजदार जी का है भाई, इसमें सक्षा फौजदार जी अच्छी हिंदी है उनकी, मैं वहां भी देख रहा था और यहां भी। ए ए ए ए सारे गलत। एक उत्तर वत्सल तिवारी का सही है, जिसने उत्तर डी दिया है ना वो ठीक है। देखिए इसका उत्तर क्या है, सब ये लगा रहे हैं जबकि उत्तर तो ये है। चलिए एक बार बताइए, अगर मां का मेल मां से होगा, सम का मेल मान से होगा, तब तो सम्मान आएगा। अगर मैं मां को मां से मिला दूं तो क्या हो जाएगा, सम्मति होगा, जबकि लिखा क्या है यहां ये बताइए, सन्मति। अरे है या नहीं है, सीधी बात है, त के साथ अगर मां आ रहा है, मैंने बताया था यदि फर्स्ट के साथ ना और मां आ जाए तो फर्स्ट अपने फिफ्थ में बदलेगा, और नामा नहीं आए तो फर्स्ट थर्ड में बदलता है, यही तो रूल था। और ये है त पहला, त थ द, त थ द ध न, पांचवें बदलेगा। अरे है या नहीं, ये बताई थी बात या नहीं। डी उत्तर ए और डी नहीं है, कंफ्यूजिंग क्यों है, ये गलत है। देखो नियम चलो, संधि में तो नियम चलना है। अरे सन्मति कहते हैं, सम्मति नहीं, सम्मति अलग है, सन्मति अलग है, मति माने बुद्धि, ये अलग चीज है। वो ये पूछ रहा है तो देखिए त, मैं इसे करके दिखाता हूं, फिर सुनो इसको, सभी सुने ध्यान से, एक नियम फिर सुनो, फिर बताऊंगा मैं ये क्या है। चलो देखो इसे, सुनो सुनो इसे दोबारा देखो, सुनो नियम ये है, मैं तो इतना जानता हूं, अगर अगर कभी भी प्रथम वर्ण के साथ नाम आ जाए, इसे याद रखना, फिर सुन लो, तो अगर फर्स्ट कैटेगरी के साथ नाम में से कोई आएगा तो ये पांचवें में बदलेगा, फिफ्थ पंचम में बदल जाएगा, ये नियम सीखा है ना। दूसरी बात, एक चीज मैंने और सीखी, यदि मां के साथ मां ही आएगा तो एज इट इज लिखा जाता है, जैसे मैं यहां लिखूं सम्मान, ठीक है ये लिख देता हूं मान लो, ठीक है या नहीं है, या सम्मति लिख देता हूं, ठीक है सुनो, सम्मति तो स लिखूंगा पहले, मां के साथ हो तो एज इट इज होगा, स लिखूंगा, या मां है मां आधा ही मां लिखो फिर मति, ये ऐसे होता है, समान ही रख लेते हैं वर्ण को, ठीक है। लेकिन अब एक काम करो, एक शब्द मैं ये उठा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सन्मति लिखा है, सम्मति नहीं लिखा। अब क्या है, ये लिख रहा हूं मैं सत, और दूसरा लिख रहा हूं मति। अब तुम मुझे बताओ क्या ये फर्स्ट कैटेगरी का अक्षर है, फर्स्ट कैटेगरी के अक्षर मैंने तुम्हें बताए थे, क च ट त प, क ख ग ग अंग, च छ ज ज इया, क ख ग ग अंग, ये पांचवा है इसका, च छ ज ज इया ये पांचवा है, ट ठ ड ड ण ये इसका पांचवा है। व्यंजन का भी पढ़ना शुरू में तुम्हें मिलेंगे, है ना, ये जरूरी थोड़ा ना सारा ही मैं लिखूं, त थ द ध न और प प भ म, ठीक है। रूल ये कहता है कि अगर पहली प्रथम वर्ण है, ये प्रथम है तो, और इसके साथ नामा आएगा तो ये पांचवें बदल जाएगा, और कुछ नहीं बदलता। तो देखिए पहले लिखो स, त का पांचवा क्या है न है, देख लो त आधा है तो ना भी आता तो मति, तो क्या ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाएगा। सर जी आप सभी लोगों को कहिए कि हिंदी को बढ़ाने के लिए कृपया हिंदी में ही लिखने का प्रयास करें, मैं तो चाहता हूं कि आप हिंदी में लिखो, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि सर हमसे दबता ही नहीं है, तो फंड नहीं है, तो देखिए जिससे नहीं हो पा रहा वो तो इंग्लिश में ही लिख ले, कोशिश करोगे हिंदी में लिखो, और आजकल तो गूगल पे भी चल रहा है, मैं दबाव तो नहीं दूंगा लेकिन हाँ कहीं ना कहीं करना चाहिए भाई। देखिए चले तो हो गया सन्मार्ग, वेरी गुड। देखो नितिन का, नितिन ने लिखा है, देखो सन्मार्ग में सतमार्ग होगा, हाँ बिल्कुल होगा, सन्मार्ग भी है। पहले तो बताओ ये चीज समझ में तुम्हें आई, ऐसे करो जोधपुर से राम राम मनीषा धागा, ठीक है धन्यवाद, कितने दूर दूर से आप हो मेरे साथ, बड़ा ऋणी हूं मैं आप सबका, आप आया करो ऐसे, क्या ये क्लियर है या नहीं है, फिर सुन लो अंतर है दो में, अगर आ जाए देखिए फिर सुन लो, दो प्रश्न तुम कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, अगर आ जाए सम्मति और एक काम करो सन्मार्ग, दोनों को ब्रेक करके दिखाइएगा कौन सा नियम लगेगा, क्या अलग चीज है ये, और देखिए ये अलग है बिल्कुल, वो जो था ना वो अलग था, ठीक है ये दोनों करके दिखाना। चलो सातवां एक बताओ, ये बड़ा आसान प्रश्न है, ऐसे उठा दिया मैंने, पशु शब्द से विशेषण बनेगा, विशेषण पढ़ा है, चलिए वेरी गुड, पशु से विशेषण, अरे पशु संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, विशेष थोड़ी ना है, जाति की बात कर रहा है पशु, है ना, पशु इससे बताओ क
कौन सा शब्द विशेषण बनेगा, इनमें से कौन सा विशेषण बनेगा बताओ। हाँ वेरी गुड, शाबाश सतमती। संधि ना तुम ऐसे ही सीख जाओ, अगर तुम एक काम करना मत पढ़ो, इस क्लास में आ जाओ, इसकी जितनी भी मैं 29th क्लास है आज, तुम सारी सर्च कर लो ठीक है ना, तो सारा मिल जाएगा तुम्हें सारी। और सुनो, एक भी मुश्किल से ऐसा लगेगा जैसे रिपीट है, ज़्यादातर तुम्हें कम से कम तुम्हें इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, 400-500 तो प्रश्न दे चुका हूँ नए, इसमें रखना तुम बिल्कुल नहीं नए ना, मतलब रिपीट भी नहीं करे मैंने, अलग ही क्लास ले रहा हूँ। बताओ सी, गई भैंस पानी में, विशेषण नहीं आता, विशेषण में दिक्कत है। और देखिए कितना तो आसान प्रश्न है, कैसे बताया जाए, वो पूछ कह रहा है, चलो मैं बताता हूँ। ए ए सी डी, फौजदार जी ने भी सीधे दिया, कैसे पहचानते हैं विशेषण। कई बार सब कुछ आते हुए भी ना पता गलत क्यों जाएगा, कि और प्रश्न एक साथ चल रहे हैं ना, तो आप ध्यान ही नहीं देते, जबकि इतना आसान प्रश्न है। तुम पता है यहां पढ़ते हो, मैं हाँ यहां पढ़ता हूं, मुझे ये पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये इतना इजी प्रश्न है। पशुता, देखिए फिर गए सब गए, अरे विशेषण पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा। अब देखिए भाई सुनिए, सुनो, पशु शब्द से वो कह रहा है विशेषण बना दो, यही तो बनाना है विशेषण। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है इनमें से पशु शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो सीधी बात है इनमें विशेषण होना चाहिए, अरे विशेषण ही तो होना चाहिए, विशेषण ही तो बनवा रहा है। तो बताओ कितने शब्द इसमें विशेषण है, बताओ कोई विशेषण है इसमें, इसे छोड़ो, इसमें विशेषण छांटो कौन है, इसमें विशेषण कौन है, कोई चारों में से सारे विशेषण है, या तीन भाववाचक संज्ञा है, दो भाववाचक संज्ञा एक विशेषण है। अरे कुछ नहीं, देखो पार्श्विक शरीर, पार्श्विक शरीर, पार्श्विक काया, अरे है या नहीं है, ये रहा विशेषण। और पशुत्व तावा लगता तो ये तो भाववाचक संज्ञा बनी, वो तो विशेषण पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पशु से इनमें से विशेषण कौन सा बनेगा, तो विशेषण तो उत्तर देने थे तुम्हें। क्या ता लगने से भाववाचक संज्ञा बनती है, तुमने कभी पढ़ा है, ऐसे पढ़ा देते हैं लोग, लेकिन देखिए मैं हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि ता लग रहा है, ता तो 36 शब्दों में लगेगा। देखिए क्या पशुत्व, किसी का पशुत्व झलकता है, पशु पशुओं का पशुत्व प्रकट होता है, पशुता प्रकट हो जाती है, महसूस की जाती है, भाववाचक संज्ञा थी दोनों, और ये कोई शब्द नहीं है पशुपन, पर जब भी पन पीछे लगे तब भी भाववाचक संज्ञा, ये रहा विशेषण। जब भी किसी शब्द में एक लग जाए ना, जैसे जैसे मैं कौन सा दूं, प्रकृतिक, क्या इसमें एक निकाल लोगे, पक्का विशेषण है एक, एत, जब भी किसी में लगेंगे विशेषण है, वो खूब पढ़ा मैंने ये, ठीक है ना। तो उत्तर ना ए था, तुम यहां पूछ रहे थे, तुम करे कौन सा लगा विशेषण, जबकि तुम्हें देखना था इसमें एक ही तो विशेषण है, ये हो गया खत्म, ठीक है या नहीं है, विशेषण ये है, पक्का विशेषण है, पहचानो कैसे, पार्श्विक होता है विशेषण, कर लो कितना ही देख लो आप। चलिए आगे बताओ, एक से बताओ, नानी कुआरी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। नानी कुआरी मर गई, नानी तो कुआरी मर गई, और नवासे के नौनो ब्याह, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या, व्यर्थ में शेखी बिगाड़ना, यानी अपना प्रशंसा करना। एक आदमी अपराध करे और दूसरा उपदेश देने पर दंड भुगते, यह अर्थ है। अधिकार जानने वाला या दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला, बताइए, जोरदार, सर ठीक है। चलिए हमेशा ध्यान रखना, विशेषण पूछ रहा तो विशेषण बता दो, भाववाचक पूछ रहा तो भाववाचक होगा उसके अंदर, छांट लो, तीन तो दे ही नहीं सकता था भाववाचक। बी, ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को, कई बार ना आप सब कुछ देख रहे होते जबकि आपको यह पढ़ना है, नानी तुम कुआरी मर गई बेचारी की शादी ना हुई, और नवासे के नौनो ब्याह हो गए, क्या होगा, क्या इसका अर्थ यह होगा कि एक आदमी तो अपराध करे है और दूसरा उसका उपदेश दंड भुगते। नानी ने, अरे नानी ने कौन सा ब्याह कर लिया भाई, नानी तो कुआरी मर गई पर नवासे ने खूब लाभ उठा लिया, नवासे के नौनो ब्याह हो गए, कि कुछ भी नहीं था उसके बाद, लेकिन बाद में जो जनरेशन हुई वो बहुत लाभ कमा गई। क्या उत्तर लगाओगे, बी, बी लगा रहे हैं, बी। चलिए चलिए चलिए, अरे सीधा सीधा तो अर्थ है, पता नहीं कैसे सोचते हो तुम लोग, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला, इसका यह अर्थ है सीधा, कैसे है। सबसे पहले देखिए, कई बार ना कई किताबों में यह भी लिखा हुआ है व्यर्थ शेखी बगाड़ना, यह गलत है। नानी कुआरी मर गई और नवासी के दौदा, तो यह व्यर्थ में शेखी थोड़ी ना बगाड़ रहे हैं। एक आदमी अपराध करे, यह गलत है कि नानी तो कुआरी मर गई, दूसरा उपदेश, दूसरा नौनो ब्याह कर रहा, तो यह थोड़ी ना होगा एक आदमी अपराध करे, ये तो कहीं ना कहीं जोड़ ही नहीं बन रहा, इसका कैसे लगा रहे थे तुम। अधिक जानने वाला ये तो है नहीं, क्या ये नहीं बन रहा कि दूसरों की संपत्ति का लाभ उठाने वाला, कि भाई कुछ भी नहीं था उसके पास पर कहीं ना कहीं अब तो सारी संपत्ति भोग रहा है, ठीक है या नहीं है। क्या आंसर है, डी, सीधा उत्तर है डी, ध्यान रखना ये पूछी जा सकती है लोकोक्ति,
अब लोकोक्ति का स्तर बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह के मैंने पिछले क्लास में भी, ठीक है ना, आंख ना दिद्दा काले का सिद्धा, ये सब इस तरह के मैं देना शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका अर्थ ये बनेगा। देख लो आप चारों में से पहचानना। इस प्रश्न पे भी कमेंट करना है आपको क्या है, यानी जो विशेषज्ञ हैं हिंदी के, मुझे मालूम है मुझसे पता नहीं कितने अच्छे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और मैं चाहता हूं तुम मुझे समझाओ, लेकिन देखना इसका उत्तर ये है। चलिए, नाइन्थवा, पिताजी, अच्छा ये प्रश्न थोड़ा बदल रहा हूं, सुनो। पिताजी जो गीता पढ़ रहे, अंडरलाइन इसे कर रहा हूं भाई, देखिए ये है, इसको रेखांकित कर रहा हूं, इस वाली चीज को। पिताजी जो गीता पढ़ रहे हैं, रेखांकित पद समूह में, रेखांकित पद समूह कौन सा पदबंध है? पदबंध पढ़ा है? पदबंध पांच प्रकार का होता है, कौन कौन सा? फाइव। क्रिया संज्ञा प्रबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया प्रबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। बताइए भाई, कभी पढ़ाओ किसी ने पदबंध तो बताओ। इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, पदबंध बिना अंडरलाइन के नहीं आएगा। किसे कहते हैं पदबंध? जब किसी वाक्य में, ये सारे पद हैं, वाक्य के अंदर पद ही होते हैं, एक पद, दो पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, इस तरह से ये छठा पद है, पांचवा पद है। वाक्य के अंदर जितने भी शब्द हैं उन्हें पद कहा जाता है। कई बार सारे वाक्य में कुछ शब्द मिलकर एक पद बनाते, पद जो हैं एक बंध बनाते, एक समूह बनाते हैं। वाक्य के अंदर कुछ पदों को मिलाकर जो समूह बना, उससे एक छोटी सी इकाई बन जाती है, उसी को पदबंध कहते हैं, उस ग्रुप को ही पदबंध कहते हैं। सी कौन सा है? क्रिया पदबंध। भाई ए, अरे आंसर सी तो है। क्या क्रिया को तो अंडरलाइन कर रखा है? अरे क्रिया को तो कर रखा है। एक बार आया, नदी बहती चली जा रही है, ये था क्या? ये वाक्य के, हाँ जी है, फिर अंडरलाइन इसे कर दिया। क्या ये पदबंध बन सकता है? देखिए अगर मैं इसे हटा लूं तो, एक ना कई बार किसी भी वाक्य के कुछ पद मिलकर एक ग्रुप सा बना लेते हैं, उसका भी अर्थ होता है। अगर हटा लूं तो देखो बहती चली जा रही है ना, और फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे, फिर पूछेंगे ये संज्ञा का पदबंध है कि संज्ञा को सूचित कर रहा है, क्या सर्वनाम को सूचित कर रहा है, या क्रिया को डिफाइन कर रहा है? ये तो क्रिया का पदबंध है। क्या सारे शब्द क्रिया हैं या नहीं है, तो कौन सा पदबंध है? क्रिया। ये तो सबसे आसान है, सबसे आसान टॉपिक है पदबंध। लेकिन पदबंध तब समझ में आएगा जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की अच्छी जानकारी रहेगी। ये सबसे आसान होता है पदबंध, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं है तो हवा सा नजर आता है कि कितना मुश्किल है, सबसे ईजी है। मैं और भी दे सकता हूं, ठीक है। चलो एक बार बताओ, एक सेंटेंस बना रहा हूं, बताओ, बताना इसमें से कौन सा पदबंध है। चलो ये बताइए, एक प्रश्न बना रहा हूं, सुनो। तेज खेलने वाला आज 0 पे आउट हुआ, 0 पर, 0 पर आउट हुआ, 0 पर आउट हुआ, कोई पूछे आउट हुआ, क्या ये वाक्य के, हां जी है, पूरा सेंटेंस है। फिर कहते हैं एक तो तेज रख लो खेलना और एक वाला, ये इतना लिख देगा। फिर पूछेगा तेज खेलने वाला, एक अजीब सा अर्थ दे रहा है, इस वाक्य में कुछ पदों को बांध दिया है, पदबंध बना दिया। वाक्य के अंदर कुछ पद मिलकर एक ग्रुप बना लें और उसका अर्थ निकले, वो पदबंध है, ठीक है। अब मुझे बताइए, लेकिन पदबंध पांच प्रकार का है, तुम चार में से बता दो, क्या क्रिया विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है, या विशेषण पदबंध है? जरा कमेंट करना, इन चारों में से बताओ भाई, ए बी डी सी डी, यही प्रश्न है, बताओ इसे, इसका उत्तर। 9वां प्रश्न क्या 10वां ही बन गया, बताइए इसका। तेज खेलने वाला आज 0 पे आउट हुआ, चलिए मैं कहता हूं तेज खेलने वाला सहवाग, आज भी छोड़ो, तेज खेलने वाला सहवाग, सहवाग, और यहां तक अंडरलाइन है, ये भी ध्यान रखना, जितना पदबंध दिया गया उतना ही बताना है। तेज खेलने वाला सहवाग 0 पे आउट हुआ, गए बस पानी में, मैक्स है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पर ये विशेषण पदबंध है, मैं तो यहां तक कर रखा है। तो देखिए ये शब्द इसकी क्वालिटी बता रहा है सहवाग की, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है, और जब भी अंत में वाला वाली नजर आए और यहीं तक हो तो वो विशेषण ही होगा, ये है विशेषण पदबंध। क्या दिक्कत है इसमें? क्या ऐसा ही लग रहा तेज खेलने वाला कौन? सहवाग, ये तो इसकी क्वालिटी बता रहा है, ये विशेषण पदबंध है, वो क्रिया पदबंध था, इसको अंडरलाइन कर रखा था। इसे करो समझो पदबंध क्या, इस पर प्रश्न आते हैं। एक लास्ट प्रश्न बताया जो मैंने अभी क्लास में पूछा एक बच्चे से, बताओ नगर में रहने वाले को क्या कह दें? नगरी, शहरी, शहरी, नगर, नगर वधू, नौकर, बताओ। चलिए बताइए सर, मेरे कमेंट आपने, मैं कमेंट ही कहां पढ़ रहा था बेटा, आप पढ़ रहा हूं, चलिए बताइए
कमेंट मैंने देखा नहीं बच्चे आपका, अब बताओ। विशेषण पदबंध, विशेषण नहीं, विशेषण पदबंध, ठीक है। हाँ चले करें, अब चले बताएं। आई एम राइट, गीत यादव, ऐसे ही हिंदी ठीक करो तुम लोग, है ना। चले मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। 10 का C, वाशाबाश। नगर वधु कहें नगर में रहने वाले को या वाली को, बताइए जल्दी से। किसे कहें? सी फंस गए, जो सबसे लास्ट का प्रश्न था उसी में फंस गए आप। ए ए ए, अब देखिए गड़बड़ है। अरे बताएं, शहरी नहीं है उसका उत्तर, नगर, नागर, इसे नागर करो और ये नगर है, ये गड़बड़ कर दी भाई। नगर में नागर, वैसे उल्टा कर दिया, ये उल्टा मिसप्रिंट हो गया, नगर और ये नागर है, इसका उत्तर नागर है, इसका उत्तर नागर करना। पता है शहर में रहने वालों को शहरी कहते हैं, नागर में रहने वालों को, हिंदी जैसे बनी हो से वैसे ही पढ़ो। अरे जो पूछा गया वही तो बताना है, ये थोड़ी ना, कई बार ध्यान रखना पर्यायवाची या कुछ इस तरह के शब्द पूछे तो उससे मिलते जुलते ही रखते हैं, ठीक है ना। दिवस का उल्टा रात्रि है, दिन का उल्टा रात है, तत्सम के साथ तद्भव, तत्सम और तत्सम के साथ तत्सम लगाया था, तद्भव के साथ तद्भव, तो कई बार सहचारी चीजें ध्यान रखना। नगर में रहने वालों को नागर कहते हैं, जबकि शहर में रहने वालों को शहरी कहते हैं। नगर वधू किसे कहते हैं? कि ऐसी वधू, ऐसी स्त्री जो पूरे नगर के लिए उपस्थित हो, पूरे नगर के लिए नाच गाना उनका मनोरंजन करे, उसे नगर वधु कहा जाता है। तो नगर वधु अलग चीज है, नौकर तो तुम जानते हो जो सेवा करता है, उसे नौकर कहते हैं। नागर इसी में गड़बड़ हो गई, देखो तुम्हें मैंने, जबकि प्रश्न अच्छा था, यहां नगर था यहां नागर था, तो नगर में रहने वाले को क्या कहेंगे? नागर, ये ध्यान रखना। तो ये सर जी, दिनेश जी, करनाल क्वेश्चन ही गलत है। हाँ तो गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुमने गलत क्यों नहीं आंसर लगाया फिर, तुम्हें तो पहचान थी। अच्छा कई बार ना प्रश्न गलत होता है तो तुम पकड़ लेते हो, लेकिन तुमने ये तभी क्यों नहीं कहा गलत था? और तभी क्यों नहीं कहा कि इसका उत्तर ये होगा? पकड़ लिया करो प्रश्न, और प्रश्न अगर गलत है तो उत्तर की पहचान तो होगी तुम्हें। प्रश्न गलत तो हो गया पर उत्तर की पहचान है कि सर देखो ये तो ये होगा। बताते हैं इसी भाई, मुझे मिसप्रिंट बहुत होती है, क्योंकि भाई मैं नहीं करता हूँ, दे जाता हूँ ये चीज़ें प्रश्न, और फिर उसके बाद वो टाइप करते हैं, थोड़ी बहुत हो जाती है गलती। तो आंसर ध्यान रखना ये। तो आज के प्रश्न भी अच्छे थे, कल फिर तैयार हो जाओ। लेकिन कल जो बच्चे वो करना चाहते तो वो देखना विजार्ड पे, मैं वर्णमाला पे प्रश्न ला रहा हूँ 20, और 20 उसे एक घंटे में हमें ख़त्म करने हैं और समझना है। तो कल मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, तुम पढ़ कर आओ वर्ण और देखें, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ अनुराग सही बात है भाई, क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन देखिए अब ठीक करो फिर बताना इसे, ठीक है। ये नगर था, नागर कर लेना, ठीक कर लेना पीपीटी में, ठीक। तो चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप मेरी क्लास में आते हो, और ये सच में सच बात है बेटा, मैं बड़ा मान रखता हूँ आपका, ये मान कर चलना। मुझे मालूम है कितनी शिद्दतों से आते होंगे कि, और बताएं हम कई बार खराबी भी कर देते हैं, बोर भी करते हैं आपको, फिर भी आप बने रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कल फिर मिलेंगे 5 प्रश्नों के साथ, और फिर 10 प्रश्नों के साथ, 10 में से 10 लेने। आप 30वीं क्लास थी, कल क्लास देखेंगे, कल फिर एक, और कल शुरू के 5 क्वेश्चन जबरदस्त लाऊंगा, देखेंगे कितने पहचानेंगे, और ऐसे प्रश्न होंगे जो बड़े आसान दिखेंगे पर फंस जाओगे उनमें, ठीक है या नहीं है। तो चलें कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक। चलिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। चाहो तो उसे जल्दी से पास करो, धन्यवाद।